आरएस बैंस परीक्षा को आप पोस्टपोन का जो मांग थी वो मान ली गई है सरकार द्वारा। अभ्यर्थी हैं उनके चरणों में खुशी है। यहाँ पे राजू कैंपस में मैनगढ़ के कैंपस में लगातार धरना प्रदर्शन है वो समाप्त होने जा रहा है और यहाँ पे खुशी का माहौल है। एक दूसरे को गले लगकर माला पहनाकर यहाँ पे बधाइयों का दौर शुरू है। विनोद जाखड़ हमारे साथ मौजूद है। विनोद, देखिए लगातार इनका जो धरना था वो आज समाप्त हुआ है, मांग मान ली गई है, आपने भी सहयोग किया है, इस बार देखते हैं पूरे घटनाक्रम को। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हमारे जितने भी भाई यहाँ धरने पे बैठे हुए थे बड़ी हिम्मत से, बड़ी शालीनता से, बड़ी ताकत से इस आंदोलन को उन्होंने एक ऐसा रूप दे दिया कि राजस्थान की सरकार को इनकी बात माननी पड़ी। पूरे राजस्थान के अंदर NSUI ने आंदोलन किए इनके समर्थन में कि इनकी मांग जायज़ है और एक जो डेट है ये आगे बढ़नी चाहिए। तो आज इनकी जीत हुई है। मैं भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट पे आया हूँ और इन सारे नौजवान भाइयों को हम लोग बधाइयाँ पेश कर रहे हैं कि आपके संघर्ष की जीत हुई है। आप इस आंदोलन से सीख के जा रहे हैं कि भविष्य में एक अच्छे अधिकारी आप बनेंगे। हम लोग यही आशा और उम्मीद करते हैं और इनको शुभकामनाएं पेश करते हैं। इस बार देखते हैं कि क्या मांग करते हैं कि फ्यूचर में दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं हो, छात्रों को आंदोलन नहीं करना पड़े। क्या सरकार को संदेश देना चाहेंगे? सरकार से हमारा यही संदेश है कि जिन चुनावी मुद्दों के साथ वो सरकार सत्ता में आई है वो उन चुनावी मुद्दों पे खरा उतरे। सबसे पहला उनका जो मुद्दा था कि हम लोग जो है RPSC को भंग करेंगे, इसमें परिवर्तन करेंगे। अगर आपको लगता है कि उस समय की सरकार में RPSC गलत थी तो आपको भंग करना चाहिए, पर उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। आप युवाओं की मांग को जो है, युवाओं की जो मांग है उसको माने और जिस वादे के साथ आप सत्ता में आए उसी अनुरूप जो है काम करें। एक सवाल आपसे ये भी था कि लगातार छात्र मांग कर रहे हैं कि UPSC की तर्ज पर तर्क दिए जाते हैं, तो कैलेंडर जारी करने की बात कहीं ना कहीं मांग की है इन्होंने। बिल्कुल, देखो अगर UPSC के तर्ज पे कैलेंडर जारी होता है तो एक रूपरेखा तय होती है कि आपका एग्ज़ाम किस समय पे होना है, उसकी एग्ज़ाम की तिथि सही समय पे आती है, एग्ज़ाम सही समय पे कराए जाते हैं, तो बच्चों का जो है मनोबल बना रहता है और उनकी तैयारी भी बहुत अच्छे से होती है। छात्रों के लिए क्या विशेष संदेश है? छात्रों के लिए सबसे यही संदेश है कि पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगा कि आप बहुत अच्छे से जो है, आपकी तिथि बढ़ गई है, जो भी तिथि आती है आप उसमें अच्छी तैयारी करें और बड़ी मजबूती से आप अधिकारी बनते हैं। तो हमारी यही आप लोगों से अपेक्षाएं हैं कि आप इस आंदोलन से बहुत कुछ सीखे हैं तो आप भविष्य में एक अच्छे जो है करण धार बने, एक अच्छे अधिकारी बने और ऐसे नौजवान जो हमारे आए हैं उनका समर्थन करें। ये थे विनोद जाखड़ जिन्होंने भी सहयोग दिया है, छात्र संघ जो यहाँ पे बैठे हैं अभ्यर्थी इनके संघर्ष में इन्होंने कहीं ना अपनी भागीदारी निभाई और आज आर्य प्रांगण में जैसे ही सूचना मिली तो ये पहुँचे हैं और इन्होंने बधाइयाँ दी हैं, माला पहनाकर उनका सम्मान किया है जो आमरण अनशन बैठे थे। ऐसे में साफ हो जाता है कि छात्र और युवा शक्ति है वो कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध होती है भविष्य के निर्माण में, भारत देश के निर्माण में। कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, नगरी मीडिया जयपुर।